ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, मैं आज एक जनरल लव एंड करियर रीडिंग बनाने लगी हूँ फॉर जनवरी 2024। तो पहला साल है, तो फ्रेंड्स ये लव एंड करियर रीडिंग हम जो जनवरी की बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे नए साल में चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होती हैं, किस तरह से आपका साल रहता है और उसका पहला महीना आपके लिए क्या न्यू चेंजेस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले करियर एंड देन रिलेशनशिप एंड फाइनली गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे चीज़ों को कैसे आगे चलती हैं। पर्सनल रीडिंग करनी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपको ऊपर नंबर हाईलाइट हो रहा है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, वो फ्री रीडिंग्स के लिए बोलते हैं। आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप फ्री रीडिंग्स के लिए मत बोला करिए, तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है मना करना। आप समझ सकते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए हमें कुछ करना होता है, हम फ्री रीडिंग्स नहीं कर सकते ऐसे। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है इसलिए की जाती है, बट पर्सनल रीडिंग हम कभी भी फ्री नहीं होती फ्रेंड्स। और जो लोग भी मेरे आज चैनल पर नए लोग आए हैं, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन करें ताकि आपको जब भी मैं रीडिंग डालूँ आपको पता चले। और इसी पॉजिटिव नोट पे फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रीडिंग को अब आगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो सैजिटेरियस यानी धनु राशि, सैजिटेरियस धनु राशि कैसा है आपका जॉब एंड करियर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। आइए देखते हैं क्या कार्ड जा रहे हैं। पेशेंस, क्रिएटिविटी, पास्ट लाइव्स, टोटैलिटी, द सोर्स। सो देखिए, मुझे जहाँ तक दिख रहा है जनवरी 2024 सैजिटेरियस यानी धनु राशि आपके लिए बहुत ही अच्छा साल साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं आपने जो अब तक इतना ज़्यादा पेशेंस रखा है अपने करियर में, मेहनत करी है, जो अभी तक आपने चीज़ों में क्रिएटिविटी दिखाई है अपनी तरफ से, एक ऐसा मतलब टाइम को निकाला है और चीज़ों में एक नयापन लाने की जो कोशिश करी है, डिस्पाइट ऑफ कि कितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आई हो, और हो सकता है कि पीछे आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ डील किया हो जो शायद आपको कुछ हार्ड टाइम दे के गए हैं, आपके साथ समय आपका थोड़ा सा टफ रहा है। तो देखिए, ये सब प्लान्ड था मे बी ये जॉब करियर में। अगर आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखे या कुछ ऐसी चीज़ें देखी, जॉब चली गई या ट्रांसफ़र हो गया या कुछ ऐसी जो आप नहीं चाहते थे, बट अब 2024 जनवरी में आपको आपके किए हुए काम का एक तरह से रिवॉर्ड मिलेगा, जो मुझे दिख रहा है। और आपको डिवाइन क्या कह रहा है, आपने पेशेंस रखना है। आपने क्या रखना है, पेशेंस रखना है, आपने रिस्क लेना है। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे थे तो अब टाइम है रिस्क लेने का, और अपने अंदर अच्छे से खुद को जान के चीज़ों को देखें, समझें कि मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। ऐसे नहीं कि कुछ भी जो मन किया वो कर लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अंदर से सोचें। और ये जो इस तरीके के लोग हैं जो पॉलिटिक्स खेलते हैं आपके साथ या कुछ किसी तरह की नेगेटिविटी में आपको घसीटते हैं, ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहें, क्योंकि ये लोग आपके पास्ट लाइफ कर्मास को क्लियर करने के लिए आए हैं। ये कहीं ना कहीं ये सब पिछला ही किया हुआ कर्मा है, चाहे वो इस जन्म का हो चाहे पिछला हो, कुछ ऐसा होता है जहाँ आपको जो मुसीबतें देने के लिए, चैलेंजेस देने के लिए आते हैं। सो सैजिटेरियस, ये जनवरी मंथ में आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, रिस्क ज़रूर लेना है, ले नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स वाले लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है। अब मैं आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कार्ड निकालती हूँ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा सैजिटेरियस का इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। सो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप पीछे थोड़े से परेशान दिख रहे थे अपनी लव लाइफ में, या पीछे अगर आपने थोड़ा सा एक ऐसा टाइम देखा जहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी, तो अपकमिंग मंथ में ये चीज़ें बैलेंस होती नज़र आ रही हैं। अगर आपको लग रहा था कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, या कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपको प्रेफरेंस नहीं दे रहा, अपनी चलाए जा रहा है, तो कमिंग मंथ आपको एक नेक्स्ट लेवल जाने को मिलेगा। आप शायद चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप किसी पर्सन को नहीं समझ पा रहे थे, तो उसके साथ आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी, एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है। आप अपने लिए उस रिश्ते में कहीं ना कहीं एफर्ट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपकी लाइफ में सैडनेस है, जो एक इनकम्प्लीटनेस है, एक रिग्रेटफुल मोड में आप हैं, वहाँ से आप शायद 1 पे हैं तो 2 पे चले जाएंगे। धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स जो है वो एकदम बहुत फास्ट कार्ड नहीं होता, आगे बढ़ने का है लव सिचुएशन में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बट इन अ स्लो वे, धीरे धीरे आप एक एक स्टेप आगे लेते जाएंगे, बट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इतना मैं बता दूँ। अपनी स्टेबिलिटी में, अपने रिश्ते को एक बेहतर वे में बनाने के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट जो आप लाइफ में चाहते थे, जो आपने ड्रीम्स देखे थे, उन सबको पूरा करने में ये नेक्स्ट मंथ बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब आप सही वे में आगे बढ़ते जाएंगे और कहीं पीछे नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ। सॉरी, कार्ड गिर गए। डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं इस सिचुएशन में। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर सजिटेरियस, देखते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। तो अगले साल, एक वैसे भी साल का नया पहला महीना है, नया साल है, तो ज़िंदगी में और लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होते आ रही है। और देखिए होप का कार्ड है, सो बी होपफुल। अगर आपने होप्स छोड़ रखे हैं, या होप आप कम रखते हैं अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में, किसी रीज़न से थोड़े से होपलेस हो गए हैं, तो अपनी होप्स को ख़त्म ना करें और अपनी लाइफ में होप्स को और न्यू बिगिनिंग्स को आने दें। ठीक है, बहुत ही येलो और ब्यूटिफुल कार्ड है, सन के कार्ड की तरह लग रहा है। ठीक है, तो अबंडेंस आएगी सजिटेरियस, आपके लिए एक न्यू और अच्छा टाइम आने वाला है। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कॉल कर सकते हैं ऊपर दिए नंबर पे। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।